Cari, io mi nascondo. E dove abbiamo il plus? Non mi dovrebbe il plus. Vai un po' là indietro, praticamente il plus. Cari, io mi nascondo. E dove abbiamo il plus? Non mi dovrebbe il plus. Vai un po' là indietro, praticamente il plus. आज बहुत टाइम बाद स्कूल में आओ, काफी बच्चे मिले जूनियर सपने. ये लौंडा जूनियर है, ये उपद्री बच्चा बहुत ज्यादा दुखी करता सब. ऊपर भाई मेरी क्लास है, इस तरह साइड हमारी क्लास है, यहाँ 11 क्लास है, 11 बी. इधर इस साइड हमारी क्लास थी 201 और 301 भाई. स्कूल में 2 साल काटे हमने, बहुत मतलब मजे से भी थे भाई, काफी ज्यादा इंजॉय करा यार के, काफी ज्यादा मतलब यार याद आती है स्कूल की क्लास में. वो नहीं बनती है जूनियर्स भी है, काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे कहाँ गए थे, कौन से कॉलेज में थे, क्या था, कैसे था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं. पुरानी ज़्यादा हो गई इधर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो अभी घर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं. बाकी इधर घूमने भी जा रहे हैं, कहीं पे फ्रेंड्स के साथ, तो पुराने फ्रेंड्स भी आ रखे हैं, माहौल बन रखा एकदम फुल सेट. तो भाई चलते हैं. जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा स्कूल है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है. इधर टीचर्स सब बैठे हुए हैं, वो हमारे सीनियर्स क्लासमेट, और इधर जूनियर्स बैठे हुए हैं. काफ़ी सारे टीचर्स आए, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले यार स्कूल में आके. चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी सारे नए टीचर्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है. बच्चे बैठे हैं बस धूप में सेक रहे हैं, आज भी वही चीज़ है. बट यार ये जब मैं आया था स्कूल में, बास्केटबॉल जो ये नेट लगे हुए हैं भाई, बिल्कुल ब्रांड नहीं होते लगे हुए थे. अभी ऐसा जंग खा रखे बच्चों ने, खेल खेल के सारे ख़राब कर दिए. और भाई क्या है, खेलेंगे तो ख़राब होंगे. पर चलो, अब तुम जानना चाहते होंगे मैं स्कूल में बच्चा कैसा था. हेलो मैम, तुम ये प्रीति मैम है, मैम आप बताओ मेरे बारे में. देखो जब तुम 9th क्लास में आए थे ना, तो शुरू में मुझे लगा इंटेलिजेंट हो. मैंने पढ़ाया और पूछते भी थे क्वेश्चन, पर जितना मैं समझती थी शायद उतना नहीं निकले. पर इतने बुद्धू भी नहीं थे कि कुछ कैच ना कर सकूं. कहीं ना कहीं मार्क्स के उस पे तुम पीछे रह जाते थे. मुझे लगता था हाँ क्लास में रिस्पॉन्स दे रहे थे और आगे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछते थे, पर मार्क्स उतने नहीं आ पाते थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता था तुम्हारे ऊपर. बट अल्टीमेटली सब ठीक हो गया. अब तो नेगी सर से पूछते हैं. तो ये नेगी सर है, सर आप बताओ मेरे बारे में. इसको देना ही है तुम्हें, आप वैसे नोट. सर मेरे बारे में मत, नहीं मैं तो सर यूट्यूब पर डालूंगा इसको, मेरा चैनल है ना. बताओ सर मेरे बारे में, बताओ क्या बताओ. ऐसा है कि जब आप आए थे 9th में, दो क्लास में पढ़ाया 9th-10th में, तो जहाँ तक डिसिप्लिन का मामला था, उस मामले में आप बहुत सही थे, सिंसियर स्टूडेंट डिसिप्लिन थे. लेकिन मुझे लगा कि एकेडमिक में जितना अच्छा कर सकते उतना नहीं कर पाए. हालांकि बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, आप में काफ़ी चेंज आया और एक ऐसे स्टैंडर्ड तक पहुँच गए थे कि हम कह सकते सेटिस्फाई वाले स्टैंडर्ड था. थैंक यू सर. सर गुरदाल सर, सर एक थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे भी. आपने पढ़ाया सर 11th क्लास में, बैठो सर बैठो. सर तो सर आप बताओ, आपने 11th क्लास में पोल साइंस पढ़ाई, तो आपके हिसाब से कैसा बच्चा था मैं सर? बहुत बढ़िया, शाइनिंग स्टार. सर सच सच बताना बिल्कुल. बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा ईमानदार बच्चा, बड़ा हंसमुख बच्चा. वेरी नेचर, वेरी इंटरेस्टिंग. और बताओ सर थोड़ा बहुत. और बहुत अच्छे बच्चे थे, बड़े होनहार और बड़े फेथफुल, सिंसियर, लविंग. थैंक यू सर. अब नागर सर हमारे क्लास टीचर 11th और 12th क्लास के. सर आप बताओ, आप तो बहुत अच्छे जानते हो. मानव मेरे पास में 2 साल रहा, लेकिन जब 11th क्लास में आया तो मानव का सबसे पहला राइटिंग का था फोकस. कि हम मैंने ये जांचा कि भाई मानव का जो राइटिंग है शायद वो इसको एकेडमिक में पीछे करता है. तो मैंने कोशिश की इसको राइटिंग के लिए, बार बार इसको प्रेस भी किया, कई कई बार कि तुम्हें डेली एक इंग्लिश की राइटिंग करनी है, एक हिंदी की राइटिंग करनी है, ये लिख करके भी लाया, इम्प्रूव भी हुआ, तो काफी इम्प्रूव किया. और दूसरा एकेडमिक के मामले में मानव यदि अपना राइटिंग को अच्छा करता तो शायद एकेडमिक में और अच्छा होता. बहुत आज्ञाकारी, बहुत ही सिंसियर बच्चा. इसके पेरेंट्स ने जो इसको संस्कार दिए हैं वो वास्तव में इसको एक अच्छा नागरिक जरूर बनाएंगे. चाहे एकेडमिक में लो रहा, लेकिन ये आने वाले टाइम में एक अच्छा नागरिक बनेगा देश के लिए. ये मेरी सोच है. थैंक यू सर.